नमस्कार दोस्तों, इन दिनों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से न केवल करदाताओं को हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन संबंधी नोटिसेज भेजे गए हैं या हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन संबंधी मैसेजेस भेजे गए हैं, बल्कि उसके साथ साथ बहुत से करदाताओं को सेक्शन 133 के नोटिस भी वित्त वर्ष 21-22 के संबंध में प्राप्त हुए। अब क्वेश्चन आता है कि ये 133 के नोटिस का अभिप्राय क्या होता है, इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इसके लिए हमें क्या तैयारी करनी चाहिए या इसका हमें कैसे जवाब देना है। तो दोस्तों, इन्हीं प्रश्नों का उत्तर लेकर के मैं सी अनुप भाटिया आज की इस वीडियो के थ्रू आपके समक्ष हाजिर हूं। दोस्तों, सबसे पहले बात करता हूं व्हाट इज सेक्शन 133 नोटिस, कि ये 133 के नोटिस का अभिप्राय क्या होता है, ये क्यों जारी किया जाता है। अगर आप सेक्शन 133 पढ़ेंगे तो उसमें ये सेक्शन 133 यहां पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 133 है, जिसका बेसिक पर्पस है, या आप इसे ऐसे माने कि ये सेक्शन एम्पावर करता है असेसिंग ऑफिसर को असेसी से कुछ इंफॉर्मेशन कॉल करने के संदर्भ में जो इनकम टैक्स संबंधी किसी जांच में किसी इंक्वायरी में उनके लिए महत्वपूर्ण होता हो। मेरा यह अनुभव है कि इन दिनों जो सेक्शन 133 के नोटिसेज आ रहे हैं वो बेसिकली ज्यूरिसडिक्शन एओ यानी आपके लोकल असेसिंग ऑफिसर द्वारा जारी हो रहा है, ना कि सीपीसी द्वारा। इसका फर्क क्या पड़ता है, इसका इंपैक्ट आप ऐसे समझिए कि सेक्शन 133 में आपको कुछ सूचना मांगी गई, आपको उस सूचना पर जवाब देना है। अगर आपका जवाब संतोषप्रद होगा, सरकार को लगता है, डिपार्टमेंट को लगता है कि हाँ ठीक है, ड्यू कंप्लायंस ऑलरेडी आपकी ओर से हो चुकी है, तो आप पर फर्दर कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं होगी। लेकिन अगर मान लीजिए आपने इस नोटिस का रिस्पॉन्स नहीं दिया या आपका रिस्पॉन्स अप टू मार्क नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका स्क्रूटनी असेसमेंट भी खोल सकता है या अंडर सेक्शन 147 इनकम एस्केप्ड असेसमेंट भी खोल सकता है। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि 133 के इस नोटिस को जो वर्तमान में आ रहा है, आप इसे हल्के नहीं ले सकते। दोस्तों, एक नमूने के रूप में कि सेक्शन 133 का नोटिस दिखता कैसे है, आप इसे ऐसे पकड़ें कि सबसे ऊपर टाइटल में आपको इश्यूइंग अथॉरिटी के ऑफिस का एड्रेस मिलेगा कि कौन से आईटीओ ने आपको ये नोटिस इशू किया है। यहां पर आपका नाम पता, आपका पैन, आपको कौन से असेसमेंट ईयर के लिए नोटिस है, किस दिन नंबर के साथ में, यानी ये अथॉरिटी का एक डिजिटल सिग्नेचर के साथ लगा, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के यहां से कोई भी लेटर इशू होता है तो उसका एक डिन जनरेट होना बहुत जरूरी है, कौन सी डेट को ये नोटिस इशू किया गया। नोटिस सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 में इशू किया गया ऐसा डिपार्टमेंट मांग रहा है, मान रहा है और आपको कह रहा है, इन दिस कनेक्शन योर काइंड अटेंशन इज इनवाइटेड टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 133(6) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 विच एम्पावर्स द अंडरसाइंड टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन विच इज कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर द पर्पजेज ऑफ फॉर द प्रोसीडिंग्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। यानी यहां पर आपको ये सूचना दे दी गई है कि आपसे एक सर्टेन इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है, इस इंफॉर्मेशन को डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट मानता है उनकी किसी प्रोसीडिंग के पर्पजेज से। तो यहां आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि अब मुझे इस नोटिस को समझ करके आगे की कार्यवाही तय करनी है। फॉर एन एग्जाम्पल, कि मैं आपके रेफरेंस के लिए जिस नोटिस को यहां पर रख रहा हूं, ये केवल उदाहरण के लिए है, हर नोटिस का एक अपना शेप हो सकता है क्योंकि हर करदाता की अपनी सरकमस्टांस हो सकती है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, किसी सैलरीड पेड के केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 133 के नोटिस में पूछा, यू आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू फर्निश फॉलोइंग डिटेल फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22, प्लीज फर्निश फॉर्म 16 एंड कॉपी ऑफ सैलरी स्टेटमेंट, कॉपी ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, यानी आपने जो रिटर्न भरी वो भी फर्निश करिए। यानी अगर आप रिटर्न नहीं भर रहे तो भी ये नोटिस आएगा, और रिटर्न भर दी तो भी ये नोटिस आ सकता है। कॉपी ऑफ ऑल बैंक अकाउंट स्टेटमेंट अलॉन्ग विद नरेशन फॉर ईच डेबिट क्रेडिट एंट्री, प्लीज फर्निश प्रूफ ऑफ डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 क्लेम्ड इन योर ITR। जैसे डिपार्टमेंट को अगर आपके चैप्टर 6 के डिडक्शन पर डाउट है तो आपसे चैप्टर 6 के डिडक्शन का प्रूफ मांग सकता है। प्लीज फर्निश कॉपी ऑफ इंटरेस्ट पेड, सर्टिफिकेट रिगार्डिंग होम लोन एक्सेट्रा, प्लीज फर्निश वेदर सेट प्रॉपर्टी इज गिवन ऑन रेंट और नॉट, एंड प्लीज फर्निश एविडेंस रिगार्डिंग रेंट पेड बाय यू। तो ऐसे ही हो सकता है किसी बिजनेसमैन के केस में एक्सपेंडिचर की सपोर्टिंग, TDS से रिलेटेड कंप्लायंस की सपोर्टिंग, किसी पर्सन के केस में जहां रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन हो वहां सेल डीड, परचेज डीड की कॉपी एक्सेट्रा मांगी जा सकती है।
तो ये सेक्शन 133 में आपने देखा कि एओ के पास पावर है कि वो आपसे चाहे आपकी रिटर्न भरी हो या ना भरी हो, रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए इंफॉर्मेशन मांगने की पावर रखता है। फाइनली इस नोटिस के अंत में आपको और लिखा दिखेगा, द रिक्विजिट इंफॉर्मेशन मे बी फर्निश्ड टू दिस ऑफिस बाय सच एंड सच डेट आइदर बाय पोस्ट और थ्रू एन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर, यहां आपको इन पर्सन आने के लिए नहीं कहा गया, यानी आपको 133(6) के किसी नोटिस पर व्यक्तिशः डिपार्टमेंट में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो बाय पोस्ट रिप्लाई कर दें और आप चाहें तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव यानी अपने टैक्स एडवोकेट अथवा चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी भेज सकते हैं। प्लीज नोट दैट योर पर्सनल अटेंडेंस इज नॉट रिक्वायर्ड इन द मैटर। हालांकि अगर आप पर्सनली अटेंड हो जाएंगे तो वो गलत नहीं होगा, लेकिन डिपार्टमेंट का एक नोटिस कह रहा है कि आपको पर्सनल अटेंडेंस की आवश्यकता नहीं। और एक इंपॉर्टेंट बात ये भी लिखी है, प्लीज नोट दैट फेलियर टू फर्निश द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मे इनवाइट इन्वोकेशन ऑफ पेनल प्रोविजंस अंडर 272A सबसेक्शन 2 क्लॉज सी एनविजाजिंग पेनल्टी ऑफ ₹500 फॉर ईच डे डिफॉल्ट। पर डे डिफॉल्ट के लिए ₹500 की आप पर पेनल्टी लग सकती है। यानी सतर्क रहना है कि कहीं 133 के नोटिस के रिस्पॉन्स में हमसे डिले ना हो जाए। और लास्ट में दोस्तों, अगर आप देखेंगे जैसा नोटिस मेरे पास में आया मेरे किसी क्लाइंट के केस में, ईमेल आईडी भी मिला है आईटीओ का, तो मेरा तो मानना है कि हम ईमेल के थ्रू भी रिप्लाई सबमिट कर सकते हैं, लेकिन नोटिस में क्योंकि बाय पोस्ट और थ्रू ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव लिखा है, तो इट वुड बी बेटर कि आपको नोटिस में जो ऑप्शन दिया गया है आप उसी का प्रयोग करते हुए अपना रिप्लाई दाखिल करें 133(6) पे। तो अब बात करता हूं व्हाट नेक्स्ट, कि अगर 133(6) का नोटिस आ गया, इससे बहुत से लोगों को चिंता होगी। क्या चिंता होगी? फॉर एन एग्जाम्पल, एक सैलरीड पेड ने एचआरए का भी एग्जम्पशन ले लिया, इंटरेस्ट और होम लोन का भी डिडक्शन ले लिया, सपोज 80G या पॉलिटिकल पार्टी के भी कंट्रीब्यूशन कर रखे हैं, और उनको कुछ खतरा लग रहा है कि यार कोई लफड़ा होगा, अपन फंस ना जाए। ऐसे हो सकता है किसी व्यक्ति ने कैपिटल गेन का ट्रांजेक्शन किया और ट्रांजेक्शन करने के बावजूद कैपिटल गेन दिया ही नहीं और ट्रांजेक्शन को आईटीआर में रिपोर्ट ही नहीं किया। ऐसे ही किसी बिजनेसमैन ने टीडीएस कंप्लायंस नहीं करी पर नोटिस आ गया, तो नाउ ही इज इन टू डेंजर के क्या करूं साहब। तो मेरा आपको ये कहना है कि रिलेवेंट कंप्लायंस करनी है। अगर आपके पास रिवाइज रिटर्न भरने की समयावधि मौजूद है तो आप रिवाइज रिटर्न भरे। अगर आपकी रिवाइज रिटर्न भरने की समयावधि चली गई या बिलेट रिटर्न भरने की समयावधि चली गई, तो आप अप टू 2 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर यानी अप टू 3 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर ITRU भरने के बाद में बारे में विचार कर सकते हैं। बल्कि अगर आपने ओरिजिनली ITR भर दी हो या रिवाइज ITR भी भर दी हो, तो भी आप एक ITRU भरने के बारे में सोच सकते हैं। और यहां तक मैं बोल सकता हूं जेन्युइन केसेस में जहां जेन्युइन डिले है, आप फाइलिंग ऑफ एन ITR विद डिले कंडोनेशन रिक्वेस्ट के बारे में भी विचार कर सकते हैं। पर दोस्तों, डिले कंडोनेशन रिक्वेस्ट के साथ रिटर्न भरने में गारंटी नहीं है आपकी रिटर्न एक्सेप्ट हो जाएगी, पर ITRU भरना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। यस आई एज्यूम कि वहां पर आपको एक्स्ट्रा टैक्स प्लस इंटरेस्ट देना पड़ता है, लेकिन मेरा मानना है कि आप ITRU के ऑप्शन पर जरूर एक्सप्लोर करिए अगर आपकी जो इंफॉर्मेशन ITR में गई है वो इनकंसिस्टेंट टू द एक्चुअल इनकम डिटेल्स हो तो। तो दोस्तों, सेक्शन 133 का नोटिस एक तरीके का इशारा है करदाता को कि अगर आपने इसे प्रॉपरली नहीं अटेंड किया तो आपकी स्क्रूटनी असेसमेंट या इनकम एस्केप्ड असेसमेंट खोला जाए। मैं इसे एक चांस मानता हूं, अगर कोई करदाता सजग है उसको लगता है साहब पास्ट में गलती हुई है पर अब एक मौका मिल रहा है, डिपार्टमेंट ने कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करी, अगर उसकी वजह से मेरी कोई इनकम है तो मैं उसका टैक्स लायबिलिटी पे करके बैठ जाऊं तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं ये भी बोलूंगा कि न केवल टैक्स पे करके बैठें बल्कि ITRU भरने पे विचार करें, रिवाइज रिटर्न भरने पे विचार करें, या डिले कंडोनेशन के साथ ITR भरने पर भी आपको विचार करना चाहिए। इससे ज्यादा अगर कोई सजेशन आपको दे सकता है तो वो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स एडवोकेट, CMA, जिनसे भी आप अपनी ITR कोऑर्डिनेट करते हो आप उन तक पहुंचे, दे विल बी एबल टू गाइड यू बेटर। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।